नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 5 नवंबर 2019 को गुरु जो है वो अपनी राशि यानी कि धनु राशि में यहाँ पर गोचर में प्रवेश करेंगे। अभी धनु गुरु जो है वो वृश्चिक राशि में है और 5 नवंबर को गुरु वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि गुरु की अपनी राशि है। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपकी राशि पर गुरु किस प्रकार से प्रभाव डालने वाले हैं, राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए सबसे पहले समझते हैं गुरु बृहस्पति जो ग्रह होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या काम आखिर बृहस्पति ग्रह करते हैं और कर सकते हैं। आप सभी को ध्यान होगा वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है और मंत्रिमंडल का मंत्री भी इन्हें कहा गया है। यानी कि एक मंत्री जो होता है, जो मंत्रणा करता है, जो कठिन से कठिन सवालों के भी जवाब निकाल के देता है, ये काम गुरु का अपना है। और गुरु यहाँ पर सभी ग्रह से सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। प्लस इसके साथ साथ कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाएं गुरु के साथ होती रहती है। गुरु का प्रतीक है कुछ अच्छी घटनाओं को करने का, कुछ और कुछ गलत घटनाओं को करने का। तो उनमें योग वृद्धि का कारक भी जो होता है वो गुरु होता है। अच्छी घटनाओं में जो योग वृद्धि होती है उनमें भी गुरु का सहयोग बहुत ज़्यादा माना जाता है। गुरु का हमारे जीवन पर और हमारे गुरु तुल्य लोगों, जैसे हमारे जो जीवन में लोग हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग हो गए, हमारी संतान हो गई, हमारा धन हो गया, हमारा ज्ञान हो गया, इन सभी में गुरु का प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें कुंडली के जरिए, कुंडली के माध्यम से गुरु की स्थिति को देखते हुए हम काफ़ी चीज़ों का अनुमान और काफ़ी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। एक कुंडली पर बृहस्पति गुरु की स्थिति से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कुंडली में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति व्यक्ति को मान सम्मान प्रदान करती है। कुंडली में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है। कुंडली में गुरु की अनुकूल स्थिति जो है वो व्यक्ति को यहाँ पर धन लाभ देती है, व्यापार में फायदा करवाती है गुरु की स्थिति, व्यापार की तरफ प्रेरित करती है गुरु की स्थिति, संतान सुख कितना अच्छा होगा और कितना अच्छा नहीं होगा इसकी भी जानकारी हम गुरु की स्थिति को देख के पता लगा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर गुरु विपरीत अवस्था में है, गुरु बुरे हैं, गुरु शत्रु राशि में है या गुरु नीच के हैं, तो उसमें क्या क्या कमी आएगी, कहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी, ये भी जानकारी हम गुरु के माध्यम से लगा सकते हैं। गुरु की जो अपनी राशि है, जो अपना घर है, वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। तथा कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और मकर राशि में गुरु जो होते हैं वो नीच अवस्था में माने जाते हैं। चंद्रमा में लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा का जो योग होता है उसे गज केसरी योग कहते हैं। कुंडली में अगर आपका चंद्रमा लग्न है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो उस योग को हम अमृत के समान योग मानेंगे यहाँ पर। और कुंडली में अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अनुकूल नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप क्या क्या उपाय करें ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। अगर कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसकी शांति के लिए आप एक पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। पुखराज रत्न बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गुरु के लिए, स्पेशली गुरु की अवस्था अगर ख़राब है तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। और मीन लग्न और धनु लग्न और धनु राशियों के लोगों को स्पेशली पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, उन्हें बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम ये देता है। इसी के साथ साथ अगर आप गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप गुरु यंत्र की स्थापना कर लेते हैं अपने घर पर तो भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी के साथ अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं, केले के पेड़ की पूजा करते हैं या फिर पीपल के जड़, जिसको गुरु का होरा या गुरु के नक्षत्र में अगर आप धारण कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा मिलता है। अब बात करते हैं कि आखिर किस दिन और कितनी बजे गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है और कितने टाइम तक ये राशि परिवर्तन रहेगा। तो 5 नवंबर 2019 को गुरु जो है वो गुरु जो है यहाँ पर रात को 12:03 के आसपास गुरु धनु राशि में यहाँ पर भ्रमण करने, गोचर करने वाले हैं। 29 मार्च 2020 को
रविवार का दिन रहेगा। रात को 7:10 तक गुरु जो है यहाँ पर धनु राशि में रहेंगे। गुरु इस का जो इस ये जो परिवर्तन है, गुरु का जो ये 6 महीने का और ऑलमोस्ट 6 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 से 6 महीने का जो परिवर्तन है, ये आपके जीवन पर, आपकी राशि पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, ये मैं अब आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला। आइए अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कि धनु राशि आपके राशि के लिए ये गोचर में जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है ये किस प्रकार से रहेगा। अच्छी बात ये है कि धनु राशि में ही गुरु प्रवेश कर रहे हैं गोचर में और आपकी राशि धनु है, मतलब कि यहाँ पर गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये आपके लग्न स्थान पर हो रहा है और लग्न स्थान पर होने के साथ साथ गुरु यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस के स्वामी रहेंगे और प्रथम हाउस के स्वामी रहने का कारण गुरु हमेशा शुभ परिणाम देते हैं यहाँ पर। तो भाग्य का जो साथ आपको अब तक नहीं मिल रहा था वो भाग्य का साथ आपको अब यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आर्थिक मामलों में जो आपको परेशानियाँ आ रही थी वो अब आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और काफ़ी टाइम से जो पैसों से रिलेटेड जो इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे थे वो अब आपके यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। और आपको अगर किसी और की लापरवाही से धनहानि हुई है या आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ है, इंश्योरेंस का पैसा अब तक नहीं मिला है, तो ये भी सारे मामले आपके यहाँ पर अब ख़त्म हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आपका यहाँ पर इस महीने धन रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी चीज़ें हो, वो आप इकट्ठी कर लें और जैसे ही राशि परिवर्तन हो उसके बाद आप उन पर काम करना स्टार्ट कर दें। आने वाले 5 महीनों में आप अपनी धन की समस्याओं को पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह से आप बात करते हैं जो लोग शादी करना चाहते हैं या लोग जो लोग शादी के लिए लड़की देख रहे हैं या जिनकी शादी हो चुकी है, वैवाहिक जीवन पे बात करें तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अच्छा समय यहाँ पर आपका हो सकता है। अगर आप थोड़ी सी यहाँ पर कोशिश करें तो अपने वैवाहिक जीवन को और अच्छा यहाँ पर बना सकते हैं। और जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय है यहाँ पर, आपको लड़की मिलने की ज़रूर उम्मीद है और आपकी शादी की तैयारियाँ होने की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा आपको अपने गुस्से पर थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए और सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, नहीं तो किसी न किसी विवाद में आप यहाँ पर पड़ सकते हैं। इसके अलावा अब किसी और को धन देने और लेने से पहले थोड़ी सी सावधानी रखें क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, तो उससे यहाँ पर हम बच सकते हैं। तो धन के मामलों में आप थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखें, आपको फ़ायदा होगा। स्वास्थ्य संबंधी बात करूं दोस्तों तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मानसिक तौर पर अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, थोड़ा सा फ्री फील करेंगे, तो यहाँ पर अब आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन को और अच्छा यहाँ पर आप बना सकते हैं। और अब आप मेहनत करें और मेहनत के फल की इच्छा करें तो डेफिनेटली जितना मेहनत आप करेंगे उतना ही फल आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए जो राशि परिवर्तन है ये बहुत ही अच्छा साबित होगा और बहुत ही अच्छा फ़ायदा इन्हें मिलने वाला है। और यहाँ पर राशि परिवर्तन पर इन्हें अगर कोई भी परेशानियाँ आती है तो आप पुखराज की अंगूठी अगर जो आती है, आप पुखराज का स्टोन जो आता है उसे आप अपनी तर्जनी उंगली में पहन लें, फर्स्ट फिंगर में अगर आप पहन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर आप एक येलो कलर का धागा अपने हाथ में बांध लेते हैं या अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं और आप तांबे का कड़ा पहन लेते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहां पर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए गुरु का जो ये राशि परिवर्तन है ये हर तरह से अच्छा ही संकेत लेके आ रहा है और हर तरह से इन्हें अच्छा ही लाभ देगा। बस इन्हें लेन देन में थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, इसके अलावा और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये जो धनु राशि वाले के लिए जो राशि परिवर्तन मैंने बताया है यहाँ पर, ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ यहाँ पर उठा पाएँ। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपके जीवन में और भी कोई परेशानियाँ हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, सॉल्यूशन अब तक मिल नहीं पा रहा है और आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर तरह से मदद यहाँ पर कर सकूँ।